पुत्र जी हैप्पी बर्थडे। जंपसूट नाइस। मिट्टू चूड़ी खानी है। कोई आता नहीं है। बारिश का तो नजर भी मत लगे किसी पे। हाय YouTube फैमिली, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल की न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होगे। जलंधर वाली गुड वाली मॉर्निंग। हम पूरी रात सोए नहीं है, तकरीबन 3:30 बजे तक तो एग्जैक्ट हम जाग रहे थे। फिर इन्होंने बोला था जयपुर ने कि हम 3 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन 4 बजे तक भी फिर ये लोग नहीं आए थे क्योंकि ना गाड़ी ना फंस गई थी। हम ना कंफ्यूज हो गए क्योंकि यहाँ पे ना गराज है और वहाँ पे भी गराज था। चाचू कंफ्यूज हो गए, जयपुर ने वहाँ पे गली जाली थी, यहाँ पे भी गली जाली थी। हम दूसरी गली पे चाचू बोल रहे हमें जंगल वाले दर बोले आज 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 जैसे ही अंदर था अंदर जाके इनकी गाड़ी फंस गई तो बहुत ही बुरा हुआ। निकली भी नहीं रात तकरीबन 5 बजे ये लोग घर वापस आए। तो फिर अभी सुबह सुबह का समय है, हम लोग एक बार फिर से तकरीबन 8 बजे हम लोग उठ गए थे। भाभी तो सुबह चली गई थी 6 बजे क्योंकि आज 15 अगस्त है तो उनकी परफॉर्मेंस है, बच्चों को तैयार करवाया उन्होंने। तो आप जब देख रहे होगे तब 16 अगस्त हो चुकी होगी ये व्लॉग। फिर भी आप सभी को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी मम्मी जप्पू की मम्मी हरलीन जी शिंकू भैया और गिशी ये चारों लोग गए हुए हैं वहाँ जहाँ दलदल में कार फंसी हुई है उसके लिए। वो आपने गिशी के व्लॉग में शायद सुबह देख भी लिया होगा। और यहाँ पीछे घर में क्या हो रहा है वो मैं आपको मेरे व्लॉग में दिखाऊंगी। आप भी सोच रहे हो झाड़ियों में कहाँ खड़े हैं सुबह सुबह, एक्चुअली हम सिजुका को घुमाने के लिए लेके आए हैं। ये देखिए दूर दूर तक जहाँ तक नजर पहुंचेगी आपको चॉकलेटी चॉकलेट दिखाई देगी, चॉकलेटी चॉकलेट दिखाई देगी, इतनी चॉकलेट जिसको हम खा भी सकते हैं। अभी तो ढंग से हम लोग घूमे भी नहीं है, सिर्फ एक मोड़ आगे तक ही गए थे क्योंकि कीचड़ बहुत ज्यादा हो रहा है। इतने में सिजुका यहाँ पे थक चुकी है और भाभी के घर के चारों तरफ देखिए जहाँ तक नजर जाती है हरियाली ही हरियाली नजर आती है। और जब वो भी खेतों में घुस गए थे, हमने यहाँ पर एक रील भी बनाई है जो भी इंस्टा पे पोस्ट करने वाली हूँ मैं अंदर जाके एडिट करने के बाद। और सिजुका यहाँ पर सो चुकी है आराम से। देखो ले 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 नोबिता को यहाँ पे चिज्जी खिलाई जा रही है। ये नखरेलू बच्चा है, ये जल्दी जल्दी कुछ नहीं खाता। सिजुका को थायराइड की मेडिसिन खिलाई जा रही है। वैसे काम करना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, ग्रीष को तो प्रैक्टिस हो गई, बड़े अच्छे से कर लेता है वो। अभी मेरा क्यूट सा बच्चा ब्रेकफास्ट करेगा। गुड मॉर्निंग बाजी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बहुत बेकार, पूरी रात खराब। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इतना डरती है ना, बताओ। इतने क्यूट क्यूट बच्चे हैं, इनसे भी डरती हैं। तो कैसा रहा आपका सफर? निकल गई गड्डी बाहर? मिक्स मैच गड्डी निकल गई बाहर? मिक्स मैच डाल लो गाड़ी निकल गई बाहर, बहुत मुश्किलों से निकली। क्रेन बुला के जेसीबी वाले, बहुत बड़ी वाली क्रेन। अच्छा, करके वहाँ से निकाली। ये एक्सपीरियंस। कितना खर्चा आ गया? 3,500 ना। रिवर्सिबल है? रिवर्सिबल है। बिल नहीं आया बट रिवर्सिबल है। थोड़े दिन बाद बिल नू पावांगे, मेल करांगे, फिर सानू रिवर्स हो जाएंगे पैसे। चलो ठीक है, शुक्र है, वधिया है। कोई गल ते वधिया कीती। होप सो। गिरीश कह रहा था तेरे को, हां अच्छा ग्रीष कब आएगा? वो आ जाएगा घंटे में, आ गया शीशे वाला। अच्छा, कल रात हमारी ब्लैरो का भी शीशा साइड वाला टूट गया, वो शायद ग्रीष अपने ब्लॉग में बता दिया होगा, तो वो भी सही करवा रहा है ग्रीष वहाँ पे। और बाकी मम्मी और बाकी ये दो जन हमारे साथ में आ चुके हैं घर में। रात ही डेकोरेशन भाभी के स्टूडेंट्स ने की थी तो काफी सारे बैलून्स वो खुद ही फोड़ के चले गए थे। तो अभी इसको थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा। वैसे तो काफी काम उन्होंने हमारा कर दिया है और सेम ही सेटअप जो मैंने आपको दिखाया था गिफ्ट्स वाले कल के व्लॉग में, यही सेटअप हमने भी मंगवा रखा था। देख के मैं भी हैरान थी कि सेम सेटअप इनको भी कैसे मिल गया और वही सेम चीज इन्होंने भी कैसे सोची। और यहाँ पर ये दोनों बैठे हुए हैं। दुविधा ये है कि ऊपर फोन पड़ा है व्लॉग एडिट करना, तूला तूला लगा रखी है इन्होंने। इन दोनों में से कोई भी नहीं रहा। 12 बजे इन्होंने व्लॉग डालना है और फोन अभी पड़ा है ऊपर, तीसरी चौथी मंजिल में कौन जाए। अभी हम ना चॉकलेट से नहा के आए हैं। बाहर चिकड़ में गए थे, क्या करने गए थे? जप्पू की चिक्स लेकर। हाँ, लाल और रखा है बिल्कुल टमाटर जैसा। अरे नन्नू ने मेरे को पागल बना दिया। कहाँ ले गया नन्नू? नन्नू बोल रहा है हम ना घूमने जा रहे हैं। फिर उसके बाद पहले वो बोल के गया हमारी मिर्ची लेने जा रहे, फिर वो बोला घूमने जा रहे हैं। अच्छा, पागल बना दिया आपको? और इतना गंदा रास्ता, ये देखो सारी पेंट गंदी होगी। ओए होए होए होए। और रात ग्रीश ने आपके पिताजी को पागल बनाया, अभी नन्नू ने आपको पागल बनाया। पागल ही बनते रहते हो। अभी ये मम्मी और पापा की एकलौती आस थी कि जप्पू आते ही जाएगा फटाफट भाग के और फोन ले आएगा। जप्पू कह रहा मैं नहीं जा रहा, अभी मैं थका हुआ हूँ, मैं पहले बैठूंगा पानी पीऊंगा फिर सोचूंगा, सोच विचार होगा फिर जाया जाएगा ना जप्पू।
मम्मा नहा लिया आपने? मम्मी ने नहा लिया, बाकी हम सब अभी ऐसे लितों की तरह घूम रहे हैं। अभी जो थोड़ा बहुत यहाँ पे शानो शौकत करनी है हमने, वो करने की तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं। जप्पू और ननू लगा हुआ है यहाँ पे टैब में गेम गुम खेलने, भैया भी कर रहे हैं ब्लॉग एडिट, और यहाँ पर भूपी जी लगी हुई है स्टार खुलाने में। तो अभी तैयारियाँ की जा रही हैं, बाकी जो अभी होता रहेगा आपको दिखाते रहेंगे दिन भर में। आज बहुत ज़्यादा फंक्शन होने वाला है, सबके ब्लॉग में आपको दिखाई देगा अलग अलग टाइप का फन, अपने अपने वे से सबकी ब्लॉगिंग दिखाई देगी। तो लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, जैसे घर में शादी के समय का माहौल होता है ना, वैसा सा माहौल बना हुआ है, खूब मजा आ रहा है। ये देखो मम्मी और बुआ फुलाने में लगे हुए हैं बैलून। बैलून देखो कितना प्यारा है, इसके अंदर पता नहीं क्या है, ये जगमग जगमग सा चमकीलू भी दूं। एक बैलून मम्मी ने फोड़ भी दिया है अपने प्रेम हाथों से। ब्रेकफास्ट हो रहा है। अभी बैलून सेट करके लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, ये डबल टेप थोड़ी सी अलग टाइप की है, ये इसके चलते ना हमारे पास ये तीन बैलून थे, एक बैलून फट भी गया है। आ जाओ आ जाओ। और, हमने हैं और ये दो स्टार्स यहाँ पर लगा दिए अभी, और बाकी जो बैलून है इनको अब सेट करेंगे। ये बैलून देखो उड़ के फराटे पंखे के साथ चिपका हुआ है, मुझे लगा था फट जाएगा लेकिन फटा नहीं है, बस बैठा है आराम से चमका गया। क्या बात, क्या बात, गुब्बारे हमारे पास सेम ही है, सब कुछ सेम ही कलर है, सब कुछ सेट में ये फायदा हो गया और ठीक है सेटअप लगा हुआ था, और ज्यादा गुब्बारे हमने फुला दिए हैं। और एक टेप मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, ये देखो ये बड़ी अच्छी चीज है, इसमें से गुब्बारा निकालो और गुब्बारा जुड़ जाता है ना। ये लगवाना, कहाँ लगवाना, ऊपर लगाना, टन टन डन। थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं हम, जैसे कि आपने देखा होगा कल वहाँ सीढ़ियों पे नीचे वाली साइड सारे बैलून्स लगे हुए थे, यहाँ साइड्स में लगे हुए थे, वो सारे भी निकाल दिए हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं जैसे बनता है ना गोल सा वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये बैलून भी एक्स्ट्रा इनको भी उतार रही हूँ, शायद ये प्रॉपर गोल तो नहीं बन पाया क्योंकि सर थोड़ा ओवर हो गया, ऊपर हो गया ना, वैसे हमने ये बनाने की कोशिश की थी, कोई बात नहीं, जो भी है सही है, मज़ा आ रही है। सर क्या खा रहे हैं आप? पता नहीं कुछ तो है, मतलब इसी कुछ खा रहा है कुछ। अच्छा ये जो रात की बची रोटी थी उसको चूर के बनाया है प्याज डाल के, वाह क्या बात है। हम जितनी कर सकते थे उतनी डेकोरेशन हमने कर दी है, कैसी लग रही है ये डेकोरेशन बताइएगा जरा। ये देखो इनका अलग ही है, ये यहाँ पर पता नहीं क्या पिटारा खोल के बैठ गए हैं, क्या हो रहा है ये। ओ मम्मी को गिफ्ट मिला, यहाँ पे बेबल बेबी जी को भी गिफ्ट मिला है, थैंक यू थैंक यू। गिफ्टी हो गए सारे। नन्नू को भी गिफ्ट मिला, इसमें क्या है? नन्नू को, हाँ नन्नू को इतनी जल्दी हो रही थी, इसने फटाफट से खोल भी दिया, अरे वाह क्या बात है, ये पार्टी होगी। तो फाइनली अभी डेकोरेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, सारे गिफ्ट्स वगैरह गाड़ी से निकाल कर बाहर ला कर यहाँ पे टेबल के ऊपर सजा दिए गए हैं। अभी जब नूर एंड फैमिली सारी ऊपर गई हुई है नहाने तैयार होने के लिए, गिशी ने भी नहा लिया है, वो भी ऊपर गया, मम्मी ने तो पहले नहा लिया था, अब मैं भी नहाने के लिए जा रही हूँ। फिलहाल मैंने ब्लॉग भी एडिट कर लिया है, आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी कर दिया है, बाकी सब तो ऊपर शायद तैयार हो ही गए होंगे, फटाफट से मैं भी तैयार हो जाती हूँ उसके बाद मिलती हूँ आपको। जस्ट अभी नहाकर बाहर निकली हूँ मैं, और ये देखिए पीछे क्या हुआ पड़ा है, पूरी सेटिंग पता नहीं कैसे हिल गई, बैलून्स नीचे गिर गए सारे। एक्चुअली डबल टेप बहुत कम थी हमारे पास, शायद उस वजह से सारा बवाल हो गया, लेकिन अब ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ एक बार फिर से दोबारा से करना पड़ेगा। और भाभी एलपीयू से निकल चुकी है मम्मी, पता है आपको, जस्ट अभी मेरे पास गिशी का कॉल आया तो फटाफट अब करना पड़ेगा यार। जा अभी फाइनली तैयारी हो चुकी है सारी, बर्थडे गर्ल भी आ गई, मतलब हमने अपना टास्क पूरे टाइम पे कम्प्लीट किया, बस हम तैयार नहीं है दोनों। अंकल जी बाहर पार्ट पे गए हुए थे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं घर। हैप्पी बर्थडे पुत्र जी, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू पुत्र जी, गॉड ब्लेस यू। और नोबिता भी आ गया मिलन, बोलो हैप्पी बर्थडे टू मम्मी।
हैप्पी बर्थडे वाला केक लेकर आ चुके हैं भाई साहब। बर्थडे गर्ल भी आ गई है, बर्थडे गर्ल ने पहले ही सरप्राइज देख लिया। ये देखिए बर्थडे का सेटअप लगा हुआ है सारा। तो अभी फिलहाल भाभी जी भी तैयार होंगी, भूपी जी भी तैयार होंगी और मैं भी तैयार होंगी। तो मम्मी अभी फिलहाल फ्रंट साफ मेरे बाल बना रही है। Now it's time to lunch. अभी मम्मी और मैं साथ में शेयर करके खा रहे हैं। जपनूर एंड फैमिली के साथ हम बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल पर। डाइनिंग टेबल भर चुका है तो गिशी और भाभी अभी वहाँ पे बैठ के नन्नू आ जा बेटा, क्यों बाद में क्यों खाओगे, हमारे साथ ही खाना। आकर लेट चुके हैं यहाँ पर। मेरा मेकअप वैसे ऑलमोस्ट डन हो चुका है। गिशी अभी ऊपर आया है तो इसको नोबिता को भी साथ में लेकर आ गया। अब ये टिक ही नहीं रहा, भूपी जी डरती है इससे और ये मेकअप नहीं करने दे रहा हमें, तो मैंने इसको भी गोदी में बिठा लिया। अभी शांति से बैठा हुआ है। छो जा छो जा, क्यों डरते हो आप, इतने क्यूट से बच्चे हैं, क्यों डरते हो आप इतना। तो इतना खुल चुकी हूँ मैं तो डॉगी के पास तक नहीं जाती थी। सो रहा है, सो गया, घराटे दे रहे तो। फाइनली अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और वो पीछे पीछे तैयार हो रही है। अभी मम्मी को भी हल्का फुल्का सा तैयार किया है। थोड़ा सा कुछ करने से मम्मी सुंदर लगने लग जाती हैं, है ना मम्मी। क्या देख रहे हो इतने ध्यान से, ये देख रही है मम्मी इतने ध्यान से भूपी जी के नकली नाखून। सिजुआ के अलग घराटे चल रहे हैं, भैया के अलग घराटे चल रहे हैं। फेविक्विक है आंटी, फेविक्विक का 5 रुपए वाली। हाँ, छुपे वाली। तो ये देखिए फाइनली ये लुक आई है नेल्स की। क्या पता लग रहा है नकली नाखून है कि असली नाखून है, सेम ही लग रहे हैं। अभी रेडी शेडी होकर सब हम आ गए हैं नीचे। अब नीचे होगा बर्थडे सेलिब्रेशन और उनके महाराज जी उनकी गोदी में। हैप्पी बर्थडे डियर भाभी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। शायरी सारी मेरी तरफ से है, शायर मैं हूँ। मिल गई ड्रेस, मिल गई जंपसूट, नाइस, अच्छा है ये। वाओ ये भी अच्छी है, ये देखो इस कलर की मेरे पास नहीं थी वैसे। अच्छा, यस, कपड़े तो बहुत हैं इस कलर के। नहीं है मेरे पास कपड़े। मतलब अगर मेरी चॉइस की तारीफ हो रही तो दिक्कत है कोई जिंदगी में? नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत। हैप्पी बर्थडे मिट्टू। क्या लिखा है? मिट्टू चूड़ी खानी है। कैंची ले लो आप। हो गया हो गया, ये है ड्रेस। अब ये टप्पू खोलेगा। अरे मेरा है, अगला मेरा है। जप्पू का अगला मेरा है। बहुत अच्छी है। थैंक यू। सारे गिफ्ट्स ओपन हो चुके हैं और अभी संभाला जा रहा है सारा सामान। जब नूर एंड फैमिली का तो मैंने अलग से पैकेज पैक करके रख दिया। हम तो पहले गाड़ी में रख रखे, यही ना रह जाए हमारा। ये सही है। और मुझे देखो कितना प्यारा ब्रेसलेट मिला ये वाला, आई लव इट। सारे गिफ्ट्स में से फर्स्ट नंबर नोबू को मिला है, छोटू नोबू को। ये सभी को बहुत प्यारा लगा। गिफ्ट तो वैसे सभी स्पेशल थे लेकिन सबसे ज्यादा क्यूट ये है। तो बड़े वाला कुछ सौ के नीचे है। हाँ, नोबिता, बड़े वाला नोबिता चिढ़ गया हमारा, वो बाहर ही नहीं निकल रहा। अब कहाँ गया नोबिता, चेयर के नीचे बैठा। फिलहाल बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है, सभी अपने अपने फोन में लग चुके हैं एक बार फिर से। यही कुछ हाल यहाँ का भी है। साउंड्स नहीं ढूंढे इन्होंने रील बनाने के लिए, मैंने तो ढूंढा हुआ है। फटाफट से अपना काम कीजिए।
इधर मारूंगे ठीक है। थ्री टू वन स्टार्ट। कर लेंगे। ये देखो अपने पति देव को बुलाने का तरीका। गिरीश देखो बुलाया जा रहा है तो ध्यान नहीं दे रहा। मैं भी अभी शुरुआत कर रही हूँ। शुरुआत की जा रही। फोन बज रहा है, किसका फोन बज रहा है? अच्छा जो सासू मारे शगन के पैसे दिए वो डाले जा रहे हैं पिग्गी बैंक में। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। एड्डा पैसा कितना सी? पहले मेरे पैसे थे। कितने पैसे थे? 1100। अच्छा 1100, क्या बात है मम्मी, मौज कर दी। क्या बात है, फैशन का है ये जलवा। ये जलवा फैशन का है ये जलवा। वाओ बहुत प्यारा लग रहा है ना। वो पीछे तनिया है ना, उस वजह से सही लग रहा है ना। आपको पसंद आया भाभी? आपको पसंद आया? बम आ गया। ओवीरा मेरा, ओवीरा मेरा कहना बम आ गया। सासू माँ की मिट्टी है। कपड़े तो सारे बहुत प्यारे लग रहे हैं भाभी आप पे। क्या ही बात है, क्या ही बात है। थोड़ी सी फिटिंग करवानी पड़ेगी इसे, वैसे अच्छा है। अच्छा अपना फिटिंग करके आई है भाई। यार सही है, और कुछ नहीं करना, ये चीज करनी है। हाय नी तेरा चिट्टा कगरा। हाय ओए मारता ही है। ये इन्होंने दिया है, इन्होंने गैंड लग रहा है गैंड। तो YouTube फैमिली आप बताइएगा नंबर वन पे कौन सी ड्रेस लग रही है भाभी जी की, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। वाओ मैंने अंग्रेजी बोली, मेरे को पता है ये कहेगी जंपसूट, जंपसूट। देखा जंपसूट। अच्छा तुम लोग बताओ कौन सी ड्रेस सबसे अच्छी लग रही थी। हाँ एक बतानी है, ऐसे नहीं कि किसी ने दी करके, वैसे कह रही हूँ कि क्या कौन सी सूट कर रही थी। सबसे ज्यादा खुली थी वो मम्मी की। बहुत प्यारी लग रही है। जप्पू देखो यहाँ पे बैठा बैठा ही सो गया ये। ये क्या बात है, क्या बात है। अये अये हाय अये हाय। बापू जी भी आ चुके हैं। सही है, कोई जप्पू को उठाया जा रहा है। जप्पू अभी उठ ही नहीं रहा, सो रहा है आराम से। जप्पू उठाओ उठाओ, जप्पू को उठाओ। चल उठो उठो उठो। उठ ही रहा, देखो कितनी गहरी नींद में सो रहा है। अभी शाम के तकरीबन 6:15 बज चुके हैं। जब नूरान फैमिली और गिशी चले गए हैं ऊपर रेस्ट करने के लिए। वैसे ये पता नहीं कौन सा टाइम है रेस्ट करने का। अभी चाय बन रही है, मम्मी यहाँ पर चाय का वेट कर रहे हैं। उसके बाद मम्मी आप भी सो गए। बे टाइम सोने से फिर रात को नींद नहीं आएगी। वैसे थके तो सब हुआ है, नींद तो सबको बहुत जबरदस्त वाली आ रही है। लेकिन अब मैं ऐसे सोच रही हूँ अगर मैं अभी सो गई तो फिर मैं उठ नहीं पाऊंगी जल्दी जल्दी। रात हम बहुत लेट सोए थे, सच में 3:30 बज गए थे। अच्छा मतलब कुरकुरे लेके जाए जा रहे हैं, तुरतुरे 10 रुपए दे तुरतुरे, नहीं 26 रुपए वाली पैकिंग है। समधी समधन की यहाँ पे पार्टी हो रही है, लेज खाए जा रहे हैं। अभी भाभी के सिंपल यही धागा बांधने लगी हूँ क्योंकि भाभी को ताम झाम ज़्यादा पसंद नहीं है, ना ही गिशी को पसंद है। इतनी सारी राखी, 5 राखियाँ बांधी थी गिरीश के हाथ में, आपके सामने मेरे ब्लॉग में देखे रखना, उसने भी यही वाला सिंपल धागा रखा हुआ है। तो यही वाली अब मैं भाभी के भी बांध रही हूँ। भाभी कह रहे केक खा खा के मेरा मन इतना उबा हुआ है, मीठा मीठा कुछ खाने का मूड नहीं है। और अभी तैयार होकर खाली मेकअप क्यों ख़राब करना, तो ठीक है ना अभी हमारा प्यार ऐसे काफ़ी है। और हमारे रिश्ते को नज़र भी मत लगे किसी। अभी रात के तकरीबन 8 बज चुके हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं हम लोग, बाहर ही डिनर करेंगे। और जपनूर फैमिली अभी रात को ही जाने वाली है यहाँ से, तो वो अपना बैग वगैरह साथ में लेकर चल रहे हैं। चलिए आप भी हमारे साथ। अभी जप्पू को पानी की, ठंडे पानी की बोतल भर के दिया, चलो चलते हैं। हवेली जाना है, पटवारी ढाबा जाना है, 100 जगह डिस्कशन करके इन दैट हम अभी आकर बैठे हैं मैकडोनल्ड्स में। मम्मी
जपरा मेरे पास बैठा है, रूपी जी फोन पे लगी हुई है। पंद्रह अगस्त के चलते यहाँ पे डेकोरेशन की गई है, बहुत ही प्यारी। सामने और किया जा रहा है, ड्रामेबाजियां नहीं खत्म हो रही इनकी, बच्चों की तरह लड़ते हैं, बच्चों की तरह। देखो मम्मी कितनी खुश हो रही है। अब हम मिलेंगे दिल्ली, अब आप 1 वीक हमारे घर रहने आएंगे। ठीक है गाइस, आज की वीडियो आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करते हैं कि आपने आज के भाभी के बर्थडे सेलिब्रेशन को, आज के दिन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और आपने काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स दी भाभी को, उसके लिए थैंक यू सो मच। आगे भी अपना प्यार हमारे साथ ऐसे बनाए रखना और भाभी के व्लॉग में आगे भी अच्छे अच्छे और व्लॉग आने वाले हैं एंटरटेनिंग वाले, तो भाभी के चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में ही भाभी जी की नंद के चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए और देखते रहिए नंद और भाभी का चैनल। या ये आहा आहा।